बारहवां अध्याय। फिर वो दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठीका देकर वो परदेश चला गया। फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि उनसे दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। अब एक ही रह गया था। अंत में उसने उसे भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे उसके पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। अब दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया? ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने उनके विरोध में ये दृष्टांत कहा। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? हम दें या न दें? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, ये मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। सात भाई थे, पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया, दूसरे भाई ने उस स्त्री को ब्याह लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी, और सातों से संतान ना हुई, सबके पीछे वो स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वो उनमें से किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वो सातों की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न परमेश्वर की सामर्थ को? क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी न होगी, पर स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवतों का परमेश्वर है। सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इसराइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से
और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उसे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वो उसका पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं, वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। और वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियां जो एक पैसे के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है।